नमस्कार, मैं हूं सरोज सिंह और आप देख रहे हैं सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। रुक करते हैं आज की खबरों पर। सारंगढ़ के गुटीपारा नवापारा मार्ग में पड़ने वाले जंगली झाड़ियों के बीच एक आदमी की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है मृतक सारंगढ़ के पैलपारा का निवासी है, जो पिछले दो दिनों से घर से लापता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। सारंगढ़ गोमड्डा अभ्यारण के ग्राम नवापारा में एक शख्स की लाश देखी गई, जिसकी सूचना पर पहुंची सारंगढ़ पुलिस की माने तो मृतक सारंगढ़ पैलपारा निवासी मनोहर सिदार का है, जो मजदूरी का काम करता था और शराब का आदी था, जो 20 जून को भी गाय चराने के लिए नवापारा गया था, जहां शराब के नशे में पठार से नीचे उतरते समय गिर गया, जहां देख रेख नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। क्या बोलते हैं नवापारा के रोड में क्या है, कब का है और कहां पे है? ये चौथरा नाला नवापारा पठार के पास एक व्यक्ति का लाश मिला था, जिसका नाम उसके परिजन ने पहचाना था मनोहर सिदार के नाम से। वो 20 तारीख को घर से गया था गाय चराने का काम करता है और मजदूरी भी करता है। तो उनके परिजनों ने आज दिनांक 22/6/18 को मर्ग हुआ है बोल के सूचना दिया था थाने में। कहीं पश्चात जांच टू मैं गया था, वहाँ पता चला कि वो मनोहर सिदार जो है शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में वो पठार से उतरते समय गिर गया होगा, जिससे उसको पत्थर की चोट आई होगी। उसके पाँव में चोट के निशान है, सर में चोट के निशान है। बाकी वहाँ गिरने के बाद उसकी देख रेख नहीं हो पाया, तो भूख प्यास की वजह से वहाँ ख़त्म हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उसका पूरा शरीर 20 तारीख की घटना होगी तो एक दिन में धूप में होने की वजह से काला हो चुका है, पूरा फूल चुका था, कीड़े पूरे शरीर में फैल चुके थे, जिसके कारण क्या किस तरह से जाँच की जा रही है? जाँच अभी तो मर्द उसकी हुई है, पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसे अगर कुछ संदिग्ध होगा तो। ब्यूरो रिपोर्ट सारा।